आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और पूरे देश में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रुड़की जिला कार्यालय में भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की। वहीं उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। शोभाराम ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का है, निश्चित रूप से पूरा होगा। वहीं मीडिया प्रभारी पंकज नंदा ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनके किए गए कार्यों की सराहना की। पहले तो मैं ऐसी शुभकामना यही दूंगा कि भगवान उनका स्वास्थ्य और उन्हें दीर्घ आयु दे। मैं बाबा केदार जी से, क्योंकि उनका प्यार भी बहुत है, आशीर्वाद भी बाबा केदार जी का है उनके पर, उन पर आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारे भारत को जिस तरह उन्होंने इन 10 सालों में आगे बढ़ाया, मुझे उम्मीद है जो उनका एक मिशन है 2047 तक भारत को दुनिया के पहले नक्शे पर ले जाने का काम, आज उसी प्रेरणा के साथ आज उनका ऐसी शक्ति का जन्मदिन है। और भारतीय जनता पार्टी जिला रुड़की के सभी कार्यकर्ता सदस्य अभियान में भी लगे हुए हैं, जो माननीय मोदी जी का एक मिशन है कि सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो उनका एक लक्ष्य है उसको भी आज पूरा करने का काम। हमारे भाजपा जिला कार्यालय रुड़की पर आदरणीय जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति के नेतृत्व में सभी जिला पदाधिकारीगण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सभी के लिए खुशी की बात है, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमारा देश सर्वांगीण विकास कर रहा है, तो ये आज हमारा भारतवर्ष एक विश्वगुरु बनने की ओर है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही है। मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।